वीआईपी की सुरक्षा पर 3 पुलिस वाले और 761 लोगों की सुरक्षा सिर्फ एक के हवाले। खास लोगों की सुरक्षा से आम लोगों को खतरा, कोर्ट ने बजाई खतरे की घंटी और मांगा है जवाब। मैंने हमेशा बात आपसे कही आपके फीडबैक को पढ़ने के बाद कि जो भी मसले हैं आपसे जुड़े हुए, हमसे जुड़े हुए, मैं कटिबद्ध हूं उनको उठाने के लिए। वीआईपी सिक्योरिटी पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस छोटे से क्लिप के जरिए हमने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि कैसे आम इंसान की हिफाजत। याद है आपको वो समय जब देश की जनता और आप सब लोग सड़कों पर उतर आए थे दिल्ली में हुई बलात्कार की घटना के बाद, उस टाइम सबसे बड़ी डिबेट दो बातों को लेकर उठी थी, पुलिस में तब्दीली को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें हमने बहुत चर्चा की, और जो वीआईपी सिक्योरिटी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च अदालत, इस बहस को आगे लेकर जा रही है। सबसे पहले कोर्ट के कुछ 4 अहम सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लगातार यह आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते रहे न्यूज पॉइंट में। सबसे पहले देखते हैं कि वो 4 सवाल जो सुप्रीम कोर्ट रख रहा है हमारे सामने, वीवीआईपी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है। संवैधानिक पदों के अलावा वीवीआईपी सुरक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, ये बात पूछ रहा है, ये जवाब मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कितने लोग को वीवीआईपी सुरक्षा दी जा रही है, ये भी पॉइंट उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वीवीआईपी के आने जाने के दौरान, और आप सब जानते हैं खासतौर पे जो बड़े शहरों में हम लोग रहते हैं, हम सब जानते हैं कि इससे हमको कितनी तकलीफ और कठिनाई होती है, कितनी बार सड़कों पर गाड़ियों को ब्लॉक किया जाता है, उनका, उन लोगों का ब्यौरा दे जो सरकारी ओहदों पर नहीं है लेकिन उन्हें सुरक्षा दी गई है। ये सारे पॉइंट्स वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट वो रख रही है और बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। कुछ दिनों पहले 120 करोड़ रुपए जो अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में खर्च कर रही है वीआईपी सिक्योरिटी पर, उस मसले को उठाते हुए हमने चर्चा की थी वीआईपी सिक्योरिटी पर इसी प्रोग्राम न्यूज पॉइंट में। उसके कुछ अंश आज की बहस को आगे बढ़ाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई उसके बाद बहुत बड़े बड़े सवाल उठे इस बात को लेकर कि पुलिस में तब्दीली होनी चाहिए, पुलिस में रिफॉर्म होने चाहिए, उस पर एक बड़ी बहस शुरू होगी। उस बहस का एक बड़ा हिस्सा ये था कि जो पुलिस वीआईपीस के लिए होती है, क्या ये पुलिस जो है जो डेडिकेटेड होती है वीआईपीस के लिए, क्या इतनी पुलिसिंग की उन्हें आवश्यकता है। मेरा अनुमान है कम से कम 5,000 कर्मी तो इसमें जरूर लगे होंगे, और इसमें बहुत सारे जो जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों में जो फर्क है उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे अनाधिकृत लगे हुए हैं। स्थानीय स्तर पे जिले का कोई नेता जाता है एसपी के पास और एसपी पे अपना रोबदाब गालिब करता है और एसपी को मजबूर करता है कि नहीं कुछ आदमी हमें भी दो दो, तो गनर वगैरह तो एक तमाशा हो गया उत्तर प्रदेश में। वीआईपी 1500 मैं नहीं समझ सकता हूं कि मंत्रियों को छोड़ के कुछ निगम होंगे उनके अध्यक्ष होंगे, कहा नहीं सब वो गनर की जो संस्कृति की, मतलब एक विधायक के साथ एक गनर तो हो, कम से कम 3,000 से ज्यादा होगी, लेकिन 1500 वीआईपी कौन है उनकी सूची पता चले तब आपको हंसी आएगी कि ये भी वीआईपी हैं। और दूसरा कि 120 करोड़ रुपया अगर खर्च हो रहा है तो जाहिर है कि वो उन पुलिस वालों के रखरखाव पे हो रहा है जो कि उनके लिए कुली का कहिए और 50 तरह का, और बाज दफा तो डराने का काम भी करते हैं, और उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे होंगे, उनको आप सुरक्षा कैसे दे सकते हैं जो खुद अपराधी। फ्यूडल का तो पत्रकार सिंह साहब ने बताया कि वो नौकर की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लखनऊ में हजरतगंज की दुकान में जाएंगे जूता खरीदने और साथ में 6 पुलिस वाले उनके एंटर होंगे, उसमें 4 बंदूकची होंगे, 2 शैडोज होंगे, और वो महज मकसद ये है कि वहां कैसे लोगों को डराएं। कि ये नेता आके जो कम से कम ये यंग जो अपने को पोजीशन कर रहे हैं, कहना बहुत आसान होता है सबके लिए, राहुल गांधी ने कह दिया जयपुर में, देखिए सब ये लाल बत्ती वाले लोग बड़े मतलब पसंद नहीं करती देश की जनता, एग्जैक्टली वही होता है उनके सिस्टम में। आप नया खून आया है, आप में जोश है, उत्साह है, लेकिन ये चीजें बरसों से चली आती हैं, इनको थोड़ी इसी पॉइंट में मैं गौरव भाटिया को लाऊंगा। गौरव, ये पॉइंट मैं, यही सवाल था मेरा जो थानवी साहब ने रखा कि जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो बात शरद प्रधान कह रहे हैं, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक उम्मीद होती है कि युवा नेता है
नया जोश है, नया खून है, इस तरह की जो नाटकीय परंपराएं हैं इनको तोड़ेंगे कम से कम, और फिर भी वही होता है। अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जैसे ही शपथ ली थी तो खुद जो उस वक्त मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उनकी जो सिक्योरिटी थी उससे बहुत कम सिक्योरिटी अपने लिए रखी, और उन्होंने कमांडोज थे वो रिलीज कर दिए अपनी सिक्योरिटी से, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स रहते थे वो रिलीज कर दिए, कि उन्होंने कहा ये वेस्टेज है पब्लिक फंड्स का। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी, अगर कोई इसे स्टेटस सिंबल की तरह यूज करे तो ये गलत है, और उसके लिए एक कमिटी बनी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में जो रिव्यू करती है, और पिछले सरकार के कंपैरिजन में कम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है। 10,000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें मुश्किल से 100 एप्लीकेशन एंटरटेन की गई है जिनमें पाया गया है कि जेन्युइन थ्रेट परसेप्शन है, रिड्यूस की जाए। जो रेशियो है, जो तमाम आंकड़े हैं, जो रेशियो बताते हैं कि जनता के पास कितनी पुलिस और वीआईपी के पास कितनी पुलिस है, वो कई सारे राज्यों में बहुत गड़बड़ है। तो हम जब बड़े सुधारों की बात करते हैं तो ये सुधार फिर कहां से शुरू होंगे? राज्यों की कमिटीज भी अगर बनी हुई है तो क्या वाकई ये कमिटी जस्टिफाई कर रही है कि 120 करोड़ रुपए खर्च हो सुरक्षा पर लोगों के उत्तर प्रदेश में? तो ये पॉइंट उसने हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था, यही चीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ किसी, और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आज की सुप्रीम कोर्ट के अपने अपनी बात रखने के बाद हम यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसी खास राज्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आज हम उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े सवाल वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूछ रहा है। मेरे साथ आलोक कुमार यहाँ पर मौजूद है जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, मेरे साथ एक बार फिर आज इस प्रोग्राम में गौरव मौजूद है जो कि गौरव भाटिया लीगल हेड है समाजवादी पार्टी के, जस्टिस बी ए खान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं जम्मू कश्मीर के, प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं, आप सब जानते हैं उनको, वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उत्तर प्रदेश के, और माजिद मेमन साहब मौजूद है जो कि एक सीनियर लॉयर है। पॉइंट ये है, जनता में धारणा, और यहाँ पर अब हम आज कोई स्टेट की चर्चा नहीं कर रहे, जब वो लाल बत्ती और लाल बत्ती के सिस्टम को देखकर परेशान होने लगती है। आलोक, मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप लोग तमाम आंकड़े जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो चार बेसिक सवाल पूछ रहा है वो मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, उनमें से एक सवाल बहुत ही क्लियर है कि आप ये बताइए कि आप वीवीआईपी के अलावा किस तरह के लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। सर, आप अगर आंकड़े पे जाएंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दी गई हुई है जो कुछ दिन पहले तक स्टूडियो में काम करते थे और आज या स्टूडियो चला रहे थे और आज वो किसी पार्टी से जुड़ गए और किसी बड़े नेता से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनको किसी आयोग में उपाध्यक्ष बना दिया गया और उन्हें वाई ग्रेड और वाई ग्रेड प्लस स्क्वाड की सुरक्षा दे दी गई जिसमें 17-18 गनर उनके साथ चलते हैं, एक टिपिकल कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है, मुझे पता नहीं कि सरकार किस तरह से उसको एनालिसिस करती है, और इनके जो एलआईओ की टीम होती है, लोकल इंटेलिजेंस जो इनके होते हैं, और उसके बाद इनकी जो हाई पावर कमिटी होती है, तो ये वो बार-बार मैं आने वाला था उस पॉइंट पे, हाई पावर कमिटी, क्योंकि बार-बार उस कमिटी का जिक्र किया था। सर, ये हाई पावर कमिटी में केवल 3 लोग होते हैं और ये तीनों लोग जो होते हैं, मेरे ख्याल से यूपी के नुमाइंदे भी बैठे हैं, वो लोग बता सकते हैं कि 3 लोग कौन कौन होते हैं, और ये सारा कमिटी उमेटी कुछ नहीं होता, ये सारा जो ऊपर के टॉप बॉस है वो जिसको चाहते हैं दे देते हैं वो सारा। अगर आप सोचिए ना सर, जो 3 महीने पहले उसको कुछ किससे खतरा था और 2 महीने सरकार आने के बाद उसको आतंकवादियों से खतरा हो गया, या धर्म के नाम पे ग्रेड की सुरक्षा तभी मिलती है या तो आतंकवादियों से प्रॉब्लम हो या धर्म के नाम पे किसी के ऊपर कोई बड़ा हमला होने की आशंका हो, अदरवाइज ग्रेड की सुरक्षा नहीं मिलती है, और ऐसी सुरक्षा लोगों को दे दी जाती है। मैं एक आध गनर तो लोगों को मिलते ही रहते हैं, ढेर सारे लोगों को, लेकिन ग्रेड की सुरक्षा कैसे दे दी जाती है ये बड़ा आश्चर्य होता है। वाई ग्रेड की सुरक्षा, एक्स ग्रेड की सुरक्षा कैसे मिल जाती है?